के लिए टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन का। थ्योरी ऑफ मशीन में इसमें हम पढ़ेंगे फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म। हमारे पास टॉपिक है वो है फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म, कि फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म में क्या होता है इसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे। इसके अलावा इसमें हम और इसके इन्वर्जन के बारे में देखें डिस्कस करेंगे कि इसके इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म। आइए देखते हैं फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म क्या होता है। फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म को अगर हम साधारण लैंग्वेज में अगर हम जाने तो फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म वो होता है जब हम कोई चार लिंक को आपस में जोड़ करके एक जो चेन को तैयार करते हैं उसको हम फोर वार्ड चेन बोलते हैं। और इसमें अगर हम कोई एक्स्ट्रा पावर जनरेट करते हैं जिसके द्वारा हम कोई काम कर सकें, वर्क कर सकें, उसको हम बोलते हैं फोर वार्ड चेन मैकेनिज्म। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, फोर वार लिंकेज आल्सो कॉल्ड अ फोर वार, जिसमें हम चार बार लिंक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम फोर वार बोलते हैं। सिंपलेस्ट मूवेबल क्लोज्ड चेन में लिंकेज, ये एक साधारण सी सिंपल चेन मैकेनिज्म होती है। इसमें चार लिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा हम चार ज्वाइंट के द्वारा इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इसमें हम पावर को जनरेट करते हैं जिसके द्वारा हम वर्क करते हैं, इसको हम फोर वार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे फोर वार चेन मैकेनिज्म को। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो डायग्राम हमारे पास इस टाइप से है। ये हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकली डायग्राम है, ये हमारे पास लाइन डायग्राम है। इसको अगर हम दोनों को हम समझेंगे दोनों के हिसाब से हमारे पास इसको अगर देखा जाए फर्स्ट डायग्राम को, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड लिंक होती है। फिक्स्ड लिंक होती है इसमें हमारे पास जो इसके द्वारा हम तीन लिंक को आपस में जोड़ते हैं वो मूविंग बॉट कहलाता है। जैसे एक लिंक को इसको जोड़ा, दूसरी इसको जोड़ा, तीसरा इसको जोड़ा। तब इसमें देख रहे हो एक चीज कॉमन देख रहे हो, इसमें हमारे पास चार लिंक का इस्तेमाल है, एक लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री और लिंक फोर। चार लिंक को जोड़ करके जो ज्वाइंट बना के एक मैकेनिज्म तैयार किया, इसको हम फोर वार मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम अगर कोई मूवमेंट कराते हैं इसको, अगर हम इसको घुमाते हैं मूवमेंट कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इन सब रॉडों में हमारे पास मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो इसके द्वारा हम इसमें वर्क कर सकते हैं, कोई भी अगर हमको वर्क करना तो इसके द्वारा हम वर्क कर सकते हैं, इसको हम फोर वार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें हमारे पास इसको लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, इसमें एक ये फिक्स्ड लिंक होती है, दोनों जगह आपको दिख रहा होगा फिक्स्ड है, जिसको हम फ्रेम का नाम से जानते हैं। इसमें एक क्रैंक का काम करती है जो कि ये रोटेट कराती है, जो लिंक घूमती है मूवमेंट करती है उसको हम क्रैंक के नाम से जानते हैं, और इसको हम बोले हैं कपलर, और ये होता है रॉकर। चार चीज लगाई जाती है इसमें, हमारे फ्रेम, क्रैंक, कपलर और रॉकर। चार लिंक हैं इसमें, लिंक वन हमारे पास है फ्रेम, लिंक टू क्रैंक, लिंक थ्री कपलर, लिंक फोर रॉकर। चार लिंक है इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें अगर हम इसको इसके द्वारा अगर मूवमेंट कराते हैं, ये अगर क्रैंक है, क्रैंक अगर रोटेट करती है, क्रैंक रोटेट करती है तो ये कपलर भी करेगा, कपलर के द्वारा हम रॉकर जो है तो उसको फॉलो करके इसके द्वारा हम काम कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कटिंग कटिंग वगैरह कर सकते हैं इसके द्वारा हम। तो ये फोर वार चेन मैकेनिज्म होता है। फोर वार चेन मैकेनिज्म में चार लिंक को आपस में जोड़ा जाता है और इसके द्वारा हम वर्क करते हैं, इसको हम फोर वार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। हमने इसमें फोर वार चेन मैकेनिज्म पढ़ा, फोर वार चेन मैकेनिज्म हमने इसके इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके इन्वर्जन में डिस्कस करें तो इसके तीन इन्वर्जन होते हैं मेन। एक होता है बीम इंजन, दूसरा कनेक्टिंग रॉड अपर लोकोमोटिव, तीसरा होता है वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म होता है। तीन आते हैं, जो कि बीम इंजन जो होता है हमारे पास अगर देखा जाए तो बीम इंजन जो होता है वो क्रैंक और लीवर मैकेनिज्म लगा रहता है। इसमें एक क्रैंक और लीवर को आपस में जोड़ करके मैकेनिज्म तैयार करते हैं, उसको बीम इंजन बोलते हैं। इसमें क्रैंक और लीवर के बेस पे काम करते हैं बीम इंजन में। दूसरा है कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव, इसमें क्या करते हैं डबल क्रैंक लगाया जाता है, डबल क्रैंक को आपस में जोड़ करके इसके द्वारा जो मैकेनिज्म तैयार होता है इसको हम कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव में हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा होता है वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्या होता है, डबल लीवर का इस्तेमाल करते हैं, डबल लीवर मैकेनिज्म का लगाते हैं, इसके द्वारा हम इसका काम करते हैं। इसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे तो हमारे इसके हम देखेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास है इन्वर्जन मैकेनिज्म तीन होते हैं, एक बीम इंजन, दूसरा कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव, तीसरा वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, ये होता है। इसको हम डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। हम इसको डायग्राम के साथ देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो है बीम इंजन। बीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। बीम इंजन में क्या होता है, क्रैंक और लीवर का मैकेनिज्म लगाते हैं। बीम इंजन में क्या होता है, बीम इंजन एक सिंपल टाइप का हमारे पास स्टीम इंजन होता है। स्टीम इंजन होता है जिसमें हमारे पास इसमें पिस्टन जो होता है, पिस्टन एक होता है इसमें क्रैंक, क्रैंक काम करता है रोटेशन का, और पिस्टन में हमारे पास वर्टिकल रॉड लगी रहती है जिसके द्वारा इसमें फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होता है तो क्या होता है, जब हम क्रैंक को घुमाते हैं
क्रैंक को रोटेट करते हैं, क्रैंक के द्वारा रोटेट करते हैं तो पिस्टन स्लाइड करता है, पिस्टन अप और डाउन होता है, जिसके द्वारा हम अपना वर्किंग प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हम बीम इंजन बोलते हैं। इसमें क्रैंक और लीवर, लीवर का काम करता है कौन, पिस्टन, और क्रैंक इसमें रहता है, क्रैंक रॉड रहते हैं, क्रैंक रॉड के द्वारा इसमें फोर्स को घुमाया जाता है। जब घुमाते हैं तो क्या होता है, लीवर में फोर्स लगता है पिस्टन रॉड में, और पिस्टन रॉड के द्वारा पिस्टन जो है अप और डाउन स्लाइड होता है, स्लाइड होने के बाद उसमें हम उसके द्वारा वर्क कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, अब बीम इंजन इज अ टाइप ऑफ स्टीम इंजन वेयर अ पिवोटेड ओवरहेड बीम इज यूज टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम अ वर्टिकल पिस्टन टू अ वर्टिकल कनेक्टिंग रॉड द कन्फ्यूरेशन आप विद द इंजन डायरेक्टली ड्राइविंग अ पंप। इसको हम पंप के द्वारा भी समझ सकते हैं, इसको डायग्राम में, इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। डायग्राम हमारे पास ये इसका प्रैक्टिकल इस डायग्राम है, ये इसका लाइन डायग्राम है। इसको हम समझेंगे डायग्राम के बाद, तो हमारे पास ये जो है इसको अगर देखें इस वाले इंजन को, इसमें हमारे पास दिया हुआ है ये फ्रेम है, फ्रेम पर ये पिस्टन अटैच है, पिस्टन के बाद ये पिवोटेड कहलाता है, और ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक रॉड बोलते हैं इसको, क्रैंक रॉड के बाद ये हमारे पास क्रैंक का काम करेगा। इसमें चार बार का इस्तेमाल किया गया है, एक लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री और लिंक फोर, चार लिंक का इस्तेमाल किया गया। इसका काम कैसे करते हैं, तो क्रैंक होता है, क्रैंक को हम इसमें रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, जब क्रैंक को घुमाएंगे तो क्रैंक के बाद क्रैंक रॉड जो रहेगी वो रोटेट कर, वो उसके साथ फोर्स कर लगाएगी, फॉलो करेगी, उसके बाद हमारा पिवोट काम करे, पिवोट के द्वारा हमारे पास अटैच किसी पिस्टन, तो पिस्टन भी जिस टाइप से 360 डिग्री पे घूमेगा वैसे ही अप और डाउन होगा, बॉटम साइड जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और टॉप साइड जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे चलता है। इस टाइप से कंटिन्यू ये क्या करता है, ये पिस्टन जो होता है पिस्टन अप और डाउन स्लाइड करता रहता है, स्लाइड करेगा तो इसके द्वारा हम बाकी के काम कर सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में भी हमारे पास यही डायग्राम है, ये फ्रेम है, यहाँ पर एक क्रैंक है, क्रैंक में हमारे पास ये कनेक्टिंग रॉड है, पिवोट है, पिवोट में हमारे पास ये पिस्टन, पिस्टन रॉड है, तो हमारे पास क्या, इसमें भी वैसे ही काम करता है, हमारे पास इसमें दिया हुआ आपको लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री और लिंक फोर, चार लिंक का इस्तेमाल हो रहा है, इसके द्वारा हम बाकी काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे पास क्रैंक होता है, क्रैंक होता है, क्रैंक को हम जो रोटेट कराते हैं, क्रैंक जब घूमेगा, क्रैंक घूमेगा तो क्या होगा, ये कनेक्टिंग रॉड इसको इफेक्ट करेगी, और क्रैंक रॉड के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा हमारे पास ये पिवोट है, पिवोट ऊपर और नीचे होगा, जैसे ये रोटेट करेगा 360 पे ये स्लाइड करेगा, अप और डाउन होगा, अप और डाउन जब होगा तो हमारे पास क्या होगा, पिस्टन अटैच है, पिस्टन हमारे पास स्लाइड करेगा अप और डाउन, तो इसके द्वारा हम बाकी काम कर सकते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है स्लाइड में पिस्टन जो है अप और डाउन करेगा, इसको हम 360 डिग्री पे घुमाएंगे और ये हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन अप और डाउन कंटिन्यू करेगा, इसके द्वारा हम कंटिन्यू प्रोसेस काम कर सकते हैं। ये कहलाता है बीम इंजन, बीम इंजन इसको बुल इंजन के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा हम पढ़ने वाले इसमें कनेक्टिंग रॉड, कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में कपलिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सेकंड वर्जन है, ये करता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म का काम। इसमें हम डबल क्रैंक का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इसमें दो व्हील लेते हैं, दो व्हील को आपस में जोड़ करके एक दूसरे की सापेक्ष गति कराते हैं, उसको हम कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसमें दो क्रैंक को लगाया जाता है, दो क्रैंक को आपस में जोड़ करके इसके द्वारा हम आप एक दूसरे के सापेक्ष गति कराते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं, तो इसको हम कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव में इस्तेमाल करते हैं, लोकोमोटिव इंजन जो होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। आ कपलिंग रॉड और साइड रॉड, इसको साइड रॉड के नाम से भी जानते हैं, कनेक्ट्स द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव इन पार्टिकुलरली यूज हैव देम व्हाट सम डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इसका हम इस्तेमाल डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ओल्डर्स वन एंड सेंटर आल्सो दे हैव देम द कपलिंग रॉड्स ट्रांसफर द पावर ऑफ ड्राइव टू ऑल व्हील्स। क्या करता है, कपलिंग रॉड जो होती है, कपलिंग रॉड के द्वारा हमारे पास जो बाकी के व्हील होते हैं उसके लिए ये ड्राइविंग फोर्स जनरेट करता है। अब इसको डायग्राम समझेंगे, ये जो डायग्राम है ये हमारे पास कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो एक व्हील ये है, दूसरा व्हील ये है, ये और व्हील को आपस में जोड़ा एक लिंक वन के द्वारा, इसके बाद हमारे पास लिंक टू, लिंक थ्री अटैच किया जो कि क्रैंक रॉड का काम करेगी, क्रैंक का काम करेगी, और लिंक थ्री है इसके साथ में जो हमारे पास पावर को जनरेट करेगी, तो इसके द्वारा क्या करेगा, हमारे पास जब ये इसमें एक व्हील हमारे पास जब रोटेट करेगा इसके द्वारा दूसरा व्हील भी आपस में रोटेट करेगा। इस टाइप से आपस में जितने व्हील कनेक्ट होते हैं वो कंटिन्यू इस टाइप से रोटेशन करते हैं, और रोटेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सापेक्ष गति, एक दूसरे के साथ में सभी के भी सभी व्हील सापेक्ष गति करते हैं, इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, और इस टाइप से ये कंटिन्यू वर्क करता है। इसमें भी आप देख रहे हो चार लिंक का इस्तेमाल किया हुआ, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री और लिंक फोर, चार लिंक का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको फोर बार चेन मैकेनिज्म में जोड़ा गया है। ये कहलाता है कपलिंग रॉड अपन लोकोमोटिव। इसमें ये व्हील होते हैं, व्हील को आपस में जोड़ करके इसको
किया जाता है। इसका एक और डायग्राम है, ये डायग्राम है, इन डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। इसमें भी हमारे पास एक ये व्हील है, दूसरा ये, तीसरा व्हील है, तीनों व्हील को आपस में जोड़ करके इसके द्वारा हम वर्किंग प्रोसेस करते हैं। अगर हमारे पास ये व्हील अगर रोटेट करेगा, ये व्हील रोटेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये घूमेगा और ये घूमेगा, तीनों के तीनों एक दूसरे से सापेक्ष गति करते जाएंगे, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम समझेंगे वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम दो लीवर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ये वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म में आता है। ये भी हमारे पास सीधा सिंपल मैकेनिज्म होता है, जैसा कि हम घरेलू चीजों में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इंडिकेटर मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें पिस्टन होता है, पिस्टन अटैच होता है हमारे पास जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसमें, और लिंक के द्वारा हम इसमें अगर हम एक लिंक में फोर्स लगाते हैं तो जिसके द्वारा पिस्टन स्लाइड करता है अप और डाउन। इसको हम डायग्राम में समझेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारे पास फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म के लिए, और इसमें हमारे पास आप देख रहे होंगे वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म का डायग्राम है ये। इसमें हमारे पास लिंक वन ये है, लिंक टू ये है, लिंक थ्री ये है और लिंक फोर ये है। चार लिंक को जोड़ा और इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी एक लीवर होता है, लीवर के द्वारा इसमें काम करते हैं। लीवर होता है, लीवर को अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, जब हम लीवर में, तो लीवर में फोर्स लगाने के बाद इसमें हमारे पास कंटिन्यू इन लिंक में करेगा जो कि कनेक्टिंग रॉड में जाएगा, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन में है, पिस्टन जो कि इंडिकेटर प्लंगर कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं, अप और डाउन करते हैं, जिसके कारण हमारे पास फोर्स जनरेट होता है, इसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। ये होता है वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ये इंडिकेटर सिलेंडर है, ये इंडिकेटर प्लंगर है, ये लिंक वन है, लिंक टू है, लिंक थ्री और लिंक फोर, और इसको हम कंटिन्यू प्रोसेस जब करेंगे तो इसके द्वारा ये अगर स्लाइड करेगा, स्लाइड करने पर हमारे पास जो हमको काम करना है उसके द्वारा हम वर्क कर सकते हैं। ये कहलाता है वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म कहलाता है। ये भी हमारे पास फोर बार मैकेनिज्म में आता है। तो इसमें हमने जो पढ़ा है फोर बार चेन मैकेनिज्म पढ़ा, और इसके हमने इन्वर्जन भी पढ़े, इन्वर्जन हमने तीन इन्वर्जन पढ़े हुए हैं इसमें, बीम इंजन और कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव और वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। ये हमारे पास कंप्लीट होता है फोर बार चेन मैकेनिज्म।